नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सावन महीने के कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते हरिद्वार से गंगाजल भरकर शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर जाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को 131 लीटर जल की कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रहे मेरठ के चार भोले मुजफ्फरनगर जनपद का दिल कहे जाने वाले शिव चौक पर रुके थे, जहां हर किसी की नजरें इन भोलों पर टिकी थी, क्योंकि इन शिव भक्तों का कहना था कि इस कांवड़ को लाने का उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो ये कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्रीय देश बने और मोदी सरकार इस बार भी अखंड भारत के अंदर आए। साथ ही इन शिव भक्तों ने यह भी कहा कि अगर इस बार देश में मोदी सरकार एक बार फिर से आती है तो अगली बार 161 लीटर जल की कांवड़ लेकर आएंगे। जय श्री महाकाल मेरे सभी भाई को बोले, ये जो हम जल ला रहे हैं ये हरिद्वार से ला रहे हैं, 3 से 4 दिन का हमें शिव चौक तक आने का बोले समय लगा है, और बोले हमारा एक ही उद्देश्य है इस कांवड़ को अपने कंधे पर रखने का, इस कांवड़ को इस पावन भूमि पर लाने का, हिंदू राष्ट्र बने मोदी सरकार बने। जय श्री महाकाल, बोलो शंकर भगवान की। लखनऊ में भारी बारिश के चलते हादसा हुआ है। भारी बारिश के चलते सड़क धस गई। सड़क धसने से काफी गहरा गड्ढा हो गया। गड्ढे में बाइक लेकर बाइक सवार गिर गया। काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार को बाहर निकाला गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बाइक सवार को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। गड्ढे में बाइक गायब हो गई है। काफी देर तक गड्ढे में ढूंढने पर भी बाइक नहीं मिली। आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर के रिहायशी इलाके में गुलदार घुस आया और महिला उसका शिकार हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़ते हुए नजर आए। महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने जंगल में पिंजरा लगाया है। थाना अफजलगढ़ के मौसमपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा में मनी एक्सचेंजर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। वंश और कृष्णा यादव ने लूट की पूरी साजिश रची थी। 12 लाख जुए में हारने के बाद लूट की घटना रची गई। आपको बता दें कि दिल्ली के गैंग से स्नैपचैट पर संपर्क किया था। दिल्ली के गैंग के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 5 लाख की विदेशी करेंसी भी इनके पास से बरामद हुई है। 2 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं। तमंचे, कारतूस और खोखे भी बरामद हुए। फरार 3 बदमाशों की पुलिस को तलाश है। ताजगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने इसका खुलासा किया है। तो सर, करेंसी लूट का खुलासा हुआ है, क्या लूट का खुलासा हुआ, क्या क्या इसमें बरामद? दिनांक 13 जून 2023 को थाना ताजगंज क्षेत्र में एक मनी एक्सचेंजर के साथ 8 लाख रुपए की लूट की घटना को कारित किया गया था। सर्विलांस, एसओजी टीम नगर और थाना ताजगंज क्षेत्र ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। आज इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर में स्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान अमिताभ ठाकुर ने भारत सरकार से राकेश टिकैत को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की मांग की है। दरअसल सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात कर वापस लौटते समय पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुजफ्फरनगर के नगर में स्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने अमिताभ ठाकुर को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत सम्मान किया। तो वहीं अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए भारत सरकार से राकेश टिकैत को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की मांग की है। इस दौरान राकेश टिकैत ने भी मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर कहा कि चंद्रशेखर की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो भी सरकार के खिलाफत करता है उन पर हमले होते हैं। हमारे ऊपर भी कई बार हमले हुए हैं। चंद्रशेखर के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। हम चाहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। मैंने श्री राकेश टिकैत द्वारा देश के लिए, यहाँ के किसानों के लिए जो अद्भुत कार्य किया गया है, देश को उस विशेष स्थिति में बचाया गया है, 3 काले कानूनों को खत्म किया गया है, उसके संबंध में सम्मान देने में आया हूं। और साथ ही मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने देश की सच्ची सेवा की है, श्री राकेश टिकैत को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए।
पीलीभीत में टनकपुर से दिल्ली जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर युवती की दर्दनाक मौत हो गई। गाड़ी संख्या 12035 की चपेट में आकर युवती की मौत हो गई। शक विशक्त हालत में युवती का शव मिलने से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम घटना की जांच में जुटी है। पुलिस थाना जहानाबाद इलाके के लेरौरखेड़ा बरेली मार्ग स्थित गेट नंबर 205 के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बाराबंकी जिले के नगर पंचायत जैतपुर में थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ कस्बे के विभिन्न स्थानों पर पैदल भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के एहसास दिलाए गए। इस दौरान थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की भी सघन चेकिंग की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। बहराइच के थाना फरकपुर क्षेत्र के घासीपुर गांव का एक पूरा मामला है, जहां पर रविवार को टिकडवा वजीरगंज से फखरपुर के घासी डांड गांव में बारात पहुंची थी। डीजे की धुन में मस्त बारातियों ने खूब जमकर डांस किया। ये नाच गाना देख गांव वाले नाराज हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई, जब निकाह पढ़ाने से मौलाना ने इनकार किया तो दूल्हे के बड़े भाई ने मौलाना से माफी मांगी और ईश्वर को साक्षी मानकर तौबा किया और आगे से किसी शादी में डीजे शामिल न होने का वादा किया। फिर इसके बाद मौलाना ने निकाह पढ़ाया और दो परिवार एक हो पाए। झांसी में शोरूम की भीषण अग्निकांड में 5 लोगों की मौत होने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। भीषण अग्निकांड में 5 विभागों की बड़ी चूक सामने आई है। झांसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन, इमारतों के मालिकों अग्निकांड के मुख्य जिम्मेदार हैं। खतरनाक बिल्डिंग्स के नक्शे पास करने में झांसी विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में है। अग्निशमन विभाग की बिना अनुमति प्रमाण पत्र के बिल्डिंगों में व्यावसायिक काम संचालित करने से बड़ी चूक हुई है। बगैर अनुमति के सड़क भवन पर होर्डिंग्स, क्लोसाइन बोर्ड, प्रचार सामग्री लगाने के मामले में नगर निगम का कार्रवाई नहीं करना सवालों के घेरे में है। शोरूम की इमारतों में भारी कमियों को जिला प्रशासन स्तर ने नजरअंदाज किया। भवन स्वामियों को बिल्डिंग बनाने के मानकों को नजरअंदाज करना, सुरक्षा के इंतजामों को दरकिनार करना, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से अग्निकांड हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अब भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंडा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। निजी होटल में आयोजित हुआ मंडल स्तरीय प्रतिभा सम्मान। यूपीएससी, नीट, एसएससी, सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई बोर्ड के मेधावियों का सम्मान किया गया है। समाज सेवी और नेता मसूद आलम ने छात्र छात्राओं का सम्मान किया। मेधावियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन करते हुए भी वो नजर आए हैं। झांसी दौरे पर आए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभागीय समीक्षा के बाद कहा कि सरकार का काम सेवा करना है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा किन दलों से गठबंधन करेगी ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन का काम है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश की सेवा की है वो बेमिसाल है। उन्होंने ना खाएंगे और ना खाने देंगे और ना सोएंगे ना सोने देंगे के मूल मंत्र के साथ काम किया है। हर घर को जल, आयुष्मान कार्ड, गरीब को मुफ्त राशन, गरीबों को घर, ऐसे काम दिए जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। जिले में हर घर जल के संबंध में बताया कि तेजी से काम चल रहा है, कई गांव में पानी पहुंचने लगा है, जल्द योजना भी पूरी हो जाएगी। उस ऑस्ट्रेलिया में मेरी बेटी सुरक्षित है, यदि कोई ये व्यवस्था दे सकता है तो आदरणीय मोदी योगी जी ही दे सकते हैं। और आज भी देश का मान सम्मान यही नहीं, एक चीज और आप देखेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था देश के लिए, आज उनके नाम पर मेमोरियल, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो सपना था 370 हटाने का और लोगों ने कश्मीर को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अपनी हवस और चंद सिक्कों के लालच में दो नाबालिग लड़कियों को गलत काम में ढकेलने से पहले ही आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा की तत्परता से लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बचाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जो सफलता प्राप्त की है उसकी चर्चा पूरे जिले में की जा रही है।
तस्वीर झांसी जिले के बरुआ सागर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों की है, जहां दो युवकों द्वारा मानवीय संवेदना को तार तार करते हुए नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अगवा करके उनके साथ गलत काम कर उनको बेचने से पहले पुलिस ने तत्परता से युवकों को गिरफ्तार करते हुए लड़कियों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रशिक्षु IPS थाना प्रभारी अंजलि विश्वकर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्र की रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों को दो युवक कार्तिक रजक सनी निवासी मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के थाना धिनारा निवासी ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए पहले दोस्ती कर लड़कियों को विश्वास में लाया, फिर रंगीन दुनिया के सपने दिखाते हुए प्रेम जाल में फंसाकर फर्जी शादी रचाई। इसके बाद लड़कियों को झांसी रेलवे स्टेशन पर बुलाकर उनको बहला फुसलाकर अगवा करते हुए रफू चक्कर हो गए। बताया कि SP अंजलि विश्वकर्मा ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग और साइबर सेल की मदद से गुमशुदा दोनों लड़कियों की लाइव लोकेशन पूना रेलवे स्टेशन पर ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की। झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर बुधवार को 13 साल की एक मासूम बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। बच्चे के साथ अप्रिय घटना होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद रेलवे GRP और RPF के हाथ पैर फूल गए। फिलहाल बालिका को अस्पताल भेजा गया है। बच्चे की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल घटना के बाद ही हरकत में आई RPF और GRP CCTV कैमरे खंगालने में लगी है। साथ ही बच्चे के भाई को मीडिया से दूर रखा गया है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की ओर जाने वाले ब्रिज पर सुबह करीब 4 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह मासूम बच्चे स्टेशन पर लहूलुहान हालत में भटकती हुई मिली। उसके अंगों से खून बह रहा था। इस पर डिप्टी SP ने सूचना GRP और RPF को दी। लड़की को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ उसका 6 साल का भाई भी था। दोनों स्टेशन पर भटक रहे थे। बच्चे नाव जिले की बताई जा रही है। GRP CO नई मंसूरी ने बताया कि लड़की को परीक्षण के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा कर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी रेलवे सुरक्षा बल और GRP घटना की सत्ता जानने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है और बच्चे के भाई से बात करने की कोशिश की जा रही है। इधर बच्चे के भाई को मीडिया से दूर रखा गया है, उसे किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के धोरा माफी का है, जहां विगत दिनों हथियारों के बल पर कुछ लोग पीड़ित के घर में घुस आए और धौंस जमाने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी है और उसी नियत से पीड़ित के ऊपर फायर भी कर दिया। आरोपी को गोली पीड़ित को छूते हुए दीवार पर लगी, वहीं गोली की आवाज से क्षेत्र में दहशत हो गई। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसमें स्थानीय पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वही पीड़ित व्यक्ति असलम ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अक्रम टिप्पा राशु नाम का व्यक्ति है। ये लोग अभी कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए हैं और घर में रहने लगा, आने जाने लगा। उसी दौरान झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन्होंने दुश्मनी कर ली, जिसके बाद इन्हें यहाँ पर देखा गया कि दबंगई दिखा रहे थे और उसके ऊपर गोली भी चला दी। फिलहाल उसका कहना है कि हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। सुतारगंज कैबिनेट मंत्री सौरभ ओगुणा ने मीना बाजार स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में आंचल कैफे का विधिवत शुभारंभ किया। कैफे में आंचल से बने विभिन्न उत्पादों का आमजन और यात्री लुत्फ उठा सकेंगे। इसमें आइसक्रीम के साथ ही दूध से बने प्रोडक्ट शामिल रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ ओगुणा ने कहा कि राज्य का अपना दुग्ध उत्पादन ब्रांड आंचल डेयरी की ओर से आंचल कैफे खोले गए हैं। इससे राज्य के लोगों को अपनी ब्रांड का दुग्ध उत्पाद निर्मित आइसक्रीम और प्रोडक्ट मिलने लगे हैं, वहीं रोजगार भी मिलेगा। बुधवार को राज्य के विभिन्न शहरों में 12 आंचल कैफे शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य के अपने दुग्ध ब्रांड को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य के हर घर में आंचल का ब्रांड पहुंचाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आंचल से बने उत्पाद अपनाने की अपील भी की है। मैंने मंत्रालय से माना था कि आंचल को है वो घर घर का ब्रांड बनाना है, उसको मार्केट अच्छा करना है, जगह 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 पे उसके कैफेज खोलने चाहिए। और आज मैंने सितारगंज का किया, लेकिन पूरे प्रदेश में आज 11 कैफेज का उद्घाटन हुआ है, बूथ और कैफेज का। हर जगह के माननीय विधायक जी उसका शुभारंभ कर रहे हैं। हरिद्वार में हुआ है, देहरादून में हुआ है, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ऊधमसिंह नगर में, कदमा में और सितारगंज में हुआ है। इसी तरीके से हर कोशिश हमारी कि 100 कैफेज आंचल के बनाएंगे। तीन दिन पहले घर से बुलाकर ले गए युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक का नाम लेते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर लोगों में काफी आक्रोश है। यह बता दें कि प्रतापपुर में प्रदीप सिंह बेटा भगत सिंह का शव सुबह संदिग्ध अवस्था में मेन हाईवे कौशाला मोड़ के पास मिला।
युवक का शव मिलने से वहां भारी हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक वो बीते 3 दिनों से लापता था, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मृतक की चाची गीता देवी ने बताया कि जिस युवक से प्रदीप का पहले विवाद हुआ था वही उसे बुलाकर ले गया था, लेकिन पुलिस को बताने के बावजूद उसकी सूचना गुमशुदगी में दर्ज कराने को कहा गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उसकी हत्या की गई है। शव मिलने की सूचना लोगों द्वारा प्रतापपुर चौकी पुलिस को दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 3 दिन पहले प्रतापपुर चौकी पर एक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसका शव मिला है। पुलिस को परिजनों ने बताया कि उसकी हत्या की गई है। एसपी अभय सिंह ने बताया कि इसकी जाँच की जाएगी, जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही अजब और गजब है पहाड़ों में सड़कों के निर्माण करने वाले संस्थानों की कार्यप्रणालियां। हालिया बयान ये है कि अभी बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों की ही सड़कें नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक लगातार यातायात के लिए बाधित हो रही हैं। गनीमत यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग तो देर सवेरे यातायात के लिए एनकेएन प्रकरण से कुछ समय के लिए बहाल हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के हालात जल्द सुधरते ही नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही इसकी सुध लेने वाला कोई यहां पर नजर आता है। गृह राज्य मंत्री और गांधीनगर जिला प्रभारी हर्ष संघवी की अध्यक्षता में गांधीनगर जिले के महत्वपूर्ण 50 नियोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने उपस्थित सर्वेक्षण अधिकारियों से गांधीनगर जिले में विकास योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सर्वेक्षण अधिकारियों से इस तरह से कार्य करने का आग्रह किया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं सहायता लाभार्थियों को आसानी से हो और शीघ्रता से उपलब्ध हो सके। ये भी ध्यान रखने को कहा गया है कि योजना का लाभ सही लाभुक को मिले, उनकी खास व्यवस्था की जाए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के महिला प्रमुख रेशमा पटेल ने गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी को लेटर लिखकर उनकी पार्टी की महिला नेता का फेसबुक हैक करके इसमें न्यूड वीडियो अपलोड करने के लगातार परेशान करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे कड़ी सी सजा दी जाए, इसकी मांग की है। ऐसे संवेदनशील लेटर के साथ न्याय की गुंजाइश की है कि हमारी आप पार्टी की प्रदेश की यहाँ पर जो नेता है उसकी फेसबुक आईडी हैक की गई है और इस आम आदमी पार्टी की महिला राजीबेन हीराबाई सोलंकी का फेसबुक अकाउंट हैक करके उसमें न्यूड वीडियो अपलोड किया गया है। इस पूरी घटना को लेकर 1 तारीख को पोरबंदर साइबर क्राइम में रूबरू लिखकर FIR की गई है, फिर भी अब तक इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही उस संदिग्ध व्यक्ति को एड्रेस किया गया है। और इस तरह की घिनौनी हरकत से आम आदमी पार्टी की महिला की समाज में बदनामी हो रही है। आम आदमी पार्टी की गुजरात प्रदेश महिला प्रमुख ने कहा है कि गुजरात सरकार लगातार बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करती है और टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग करती है, तो वो टेक्नोलॉजी इस तरह की महिलाओं को परेशान करने वालों को पकड़ने में यूज करें और इससे बदमाशों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजें। जय हिंद, मैं रेशमा पटेल, गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। बताना चाहती हूँ कि 5 दिन से मेरी प्रदेश की होदेदार बहन का फेसबुक आईडी हैक हुआ है। 5 दिन से उसमें न्यूड फोटोज अपलोड हो रहे, वीडियोस अपलोड हो रहे और कंप्लेंट भी पोरबंदर क्राइम ब्रांच में किया गया, लेकिन आज भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं गुजरात के ग्रुप प्रधान हर्षभाई संघवी को बताना चाहती हूँ। गुजरात में गर्भवती महिलाओं के खाते से 29,000 रुपए निकाले गए हैं। राजकोट जिले के धुराजी की 2 गर्भवती महिलाओं के खाते से 29,000 रुपए निकाले गए। योजना के नाम पर कॉल करके ऑनलाइन ठगी की गई है। ठग गिरोह सक्रिय है। योजना के नाम पर गर्भवती महिलाओं को फोन पर ऑनलाइन ठगी की जा रही है। धुराजी की 2 गर्भवती खातों से 30,000 रुपए निकाले गए हैं। हिंदी भाषी ऑनलाइन ठग गिरोह सक्रिय है। कई गर्भवती महिलाओं को बुलाया गया है। आरोपी के पास पहले से ही महिलाओं की सारी जानकारी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि डाटा कहाँ से आया। एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन की दूसरी ओर से एक व्यक्ति ने हिंदी में कहा कि मैं जामनगर स्वास्थ्य शाखा कार्यालय से ICDS हूँ, कर्मचारी बोल रहा हूँ। आप गर्भवती हैं, सरकारी योजना कस्तूरबा नूर शाह सहाय योजना के तहत गर्भवती महिला को यह सहायता मिलती है और इसके लिए आपको एक खाता खोलना होगा। इस तरह की बातें कॉल के माध्यम से की जाती है। साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पश्चिम बंगाल रवाना हो गई है। गुजरात के लिमंडी सोका रोड पर चुनारबाड़ क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से लिमंडी नगरपालिका व्यवस्था के खिलाफ नगरवासियों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि सत्तारूढ़ दल को हम
ने मतदान करके सत्ता पर बिठाया, उसके बावजूद 40 साल पुराने क्षेत्र के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। हालांकि लिम्बड़ी शहर के वार्ड नंबर 1 में चुनारवाड़ क्षेत्र में 200 से ज्यादा आवासीय घर हैं, लेकिन निवासियों ने शिकायत की है कि उन्हें सड़क और गटर लाइन सहित बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लोगों का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी 40 साल से वहां पर रह रहे चुनारवाड़ इलाके के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनारवाड़ में 25% सीवेज का काम हो चुका है। सिविल लाइन न होने से गंदगी का अंबार लगा रहता है। नगर पालिका के पास शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कूड़ा उठाने की जहमत नहीं उठाई जाती है। मुख्य सड़क तो दूर, गलियों की सड़कें भी गड्ढों से भरी पड़ी हैं और बारिश के पानी से यहाँ पर जलभराव हो जाता है, उसका निस्तारण नहीं हो पाता। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। पिछड़े और श्रमिक क्षेत्र के रूप में पिछले 40 सालों से हमारे साथ हीन भावना की जा रही है। हाँ, बिजुबेन बोलू हूँ, सुनारावाड़ी माथी। हमारा जो रोड कर्या पण गटर उकरी नथी, पछी रोड रस्ता हारा नहीं, नाना नाना बाळक निसाळे जाता होय, ए बचारा पड़े ने खांदा में लतबत थाय। कोई बहनो ने डिलीवरी आई हो तो अमार केवी रीतना लईने जाऊ, वचन वच्चे रस्ता में बाळक आवी जाय, कोई गईठू बूठू मांदू होय तो इने केवी रीतना अमार दवाखाने लईने जाऊ, बहु माणा ने समस्या होय तो आमा केवी रीतना पाणी में भर्यू होय अमार लईने जाऊ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।